हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो होमोजेनियस फंक्शन का यहाँ डिफिनेशन लिख चुके हैं। तो ए फंक्शन फाई इजकल टू फाई एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। ये क्या कहलाता है? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एक्स एंड वाई का होमोजेनियस फंक्शन है। इफ सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज सेम, यानी प्रत्येक टर्म में x एंड y के पावर का सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी प्रत्येक टर्म में x एंड y के पावर का सम सेम होना चाहिए, वह क्या कहलाता है? होमोजेनियस फंक्शन। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन क्या था? एक्स एंड वाई के, यानी प्रत्येक टर्म में एक्स एंड वाई के पावर का सम सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे तो वाई है नहीं, तो वाई बनाते हैं ए एक्स स्क्वायर वाई के पावर जीरो रख सकते हैं प्लस टू एच एक्स के पावर वन। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो कितना रहेगा? वन, वाई के पावर वन प्लस बी एक्स पावर जीरो वाई के पावर टू। अब यहाँ पे समझिए x के पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। कोई भी चीज़ का पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो यहाँ पे देखिए x एंड y, यहाँ प्रत्येक टर्म में एक्स वाई कंटेन हो गया, तो x एंड y के पावर का सम कितना है? टू प्लस जीरो एड होगा तो कितना होगा? टू। यहाँ पे भी वन और वन कितना हो जाए? टू। यहाँ पे जीरो प्लस टू टू, यानी प्रत्येक टर्म का पावर का सम प्रत्येक टर्म में एक्स वाई के पावर का सम सेम है। यानी प्रत्येक टर्म में डिग्री सेम है, तो वह क्या होगा? होमोजेनियस फंक्शन। अब कैसे पहचानेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है? तो उसका एक्स वाई के पावर का सम सेम होना चाहिए, यानी प्रत्येक टर्म में। तो प्रत्येक टर्म में डिग्री क्या है? सेम है। सब का डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? टू। इसका भी टू, इसका भी टू, तो कितना हो जाएगा? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए इसका डिग्री, प्रत्येक टर्म का डिग्री कितना है? टू है। तो क्या हुआ? होमोजेनियस फंक्शन। सेकेंड में है मेरा सेकेंड टॉपिक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड मेरा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू फाई एक्स वाई साई एक्स वाई। तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वह इस फॉर्म में रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू फाई एक्स वाई बाई साई एक्स वाई। तो कोई भी मेरा इक्वेशन दिया रहेगा होमोजेनियस को तो इस फॉर्म में लाएंगे डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू निकालेंगे। वेयर अगर इस फॉर्म में रहता है इस फॉर्म में तो उसको सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एस के वैल्यू निकालेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यही होता है। वेयर फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई आर होमोजेनियस होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री सेम इन x and y। इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिखे हुएर फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई आर क्या है होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री सेम ऑफ सेम डिग्री। तो क्या है होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री का एक्स एंड वाई का इज कॉल्ड क्या कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल देते हैं और समझाते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स
एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑल आर All are homogeneous, homogeneous differential equation. अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल, ये होमोजेनियस जो यह मेरा इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल क्या है? तो यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन में आपको बताए थे कि प्रत्येक टर्म में एक्स एंड वाई के पावर का सम सेम होना चाहिए, यानी प्रत्येक टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम डिग्री का होना चाहिए, जितने भी टर्म होगा उस सब का डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई इजकल टू जीरो। तो सबसे पहले dy/dx का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और तब हम देखेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है इस टर्म में, ठीक है, होमोजेनियस का फॉर्म। तो इस टर्म में ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई। अब यहाँ से dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स के पावर क्यू वाई के पावर क्यू। अब यहाँ पे देखिए, यानी प्रत्येक टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब होमोजेनियस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है, वन। तो इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म, ऊपर एक और नीचे दो, एक और दो, ऊपर एक तीन है, ठीक है। तो ऊपर कितने डिग्री है, इसका एक्स का दो गो डिग्री और वाई के एगो, तो दो गो एगो कितना हुआ, थ्री, यानी टू और वन कितना हुआ, थ्री। यहाँ पे भी इसका भी थ्री है, इसका भी थ्री, यानी प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या हुआ, सेम हुआ, थ्री हुआ। तो ये क्या हुआ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे समझिए, सेकेंड में जो मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है, वन। तो ऊपर एक्स वाई के पावर के सम कितना हो जाएगा, टू, नीचे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यानी जितने भी तीन टर्म है, ये तीनों टर्म का डिग्री कितना है, टू है। तो क्या हुआ, प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हुआ, तो क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब मेरा तीन गो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए, यह सब क्या हुआ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जानेंगे कि वर्किंग रूल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल, कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका वर्किंग रूल जानते हैं।
वर्किंग रूल टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वर्किंग रूल टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्वेश्चन जब रहेगा तो उसका वर्किंग रूल से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट में वी फर्स्ट राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx is equal to phi xy psi xy जो मेरा फर्स्ट में लिखेंगे, अगर कोई मेरा क्वेश्चन देता है तो उसको dy by dx का वैल्यू ज्ञात करेंगे, dy by dx का वैल्यू निकालेंगे, इसके फॉर्म में लाएंगे। जब इसके फॉर्म में ला देंगे तो इस इक्वेशन को फर्स्ट बनाएंगे, इसको फर्स्ट बनाएंगे, ठीक है। वेयर फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। सेकेंड में काम करेंगे, लेट अस पुट करेंगे y by x इज इक्वल टू v और x by y इज इक्वल टू v। अब यहाँ पे गौर से समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब dy by dx जब इस फॉर्म में रहेगा तो उसको पुट करते हैं y by x इज इक्वल टू v, जब dy by dx रहेगा तो y by x इज इक्वल टू v पुट करेंगे, अगर dx by dy रहेगा इसके रेसिप्रोकल तो उसके लिए पुट करेंगे x by y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे क्या है dy by dx, तो यहाँ पे पुट क्या होगा y by x इज इक्वल टू v। अब यहाँ से y के वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, क्या हो जाएगा dy by dx। यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फर्स्ट को
कांस्टेंट सेकंड को डिफरेंशिएट, सेकंड को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, कितना हो गया वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसको गिवन इक्वेशन वन में रख देंगे, ठीक है। वी पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एस का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू फाई एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फाई एक्स वाई, वाई का वैल्यू कितना निकला है, वाई का वैल्यू यहाँ पे निकला है वी एक्स, तो वाई के जगह पर कितना लिख देंगे वी एक्स साई एक्स, वाई के जगह पर कितना वी एक्स। डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ उस ऊपर भी क्या है कॉमन वैल्यू एक्स है, नीचे भी कॉमन वैल्यू एक्स है, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा फाई भी साई भी। अब यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए जो मेरा इक्वेशन था जो एक्स में था लेकिन वो निकल गया क्या चीज़ में, भी में निकल गया, ठीक है। एक्स डी वी बाई डी एक्स, और भी वाले टर्म को क्या भेज देते हैं राइट में, तो क्या हो जाएगा फाई भी साई भी माइनस भी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फाई भी साई भी, फाई भी माइनस भी साई भी। जितने भी मेरा होमोजेनियस का प्रॉब्लम रहेगा क्वेश्चन देगा वह सब पुट करने पर भी में बदल जाएगा, रहेगा एक्स वाई में लेकिन बदल जाएगा भी में। तो यहाँ पे देखिए भी में बदल गया, अब यहाँ पे ऊपर भी है डी वी बाई डी एक्स, तो इसको क्या करते हैं थर्ड में हमको काम करना है रेसिप्रोकल, थर्ड में काम करना है टेकिंग रेसिप्रोकल इन बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पर वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी भी क्या हो जाएगा फाई भी साई भी, फाई भी माइनस भी साई भी। अब यहाँ पे देखिए भी वाले टर्म को राइट भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स इजकल टू साई भी फाई भी माइनस भी साई भी डी भी। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। जब सेपरेट हो गया तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, यानी फोर में हमको काम करना है इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, ये कितना हो जाएगा, साई भी फाई भी माइनस भी साई भी डी भी प्लस सी। यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देता है तो वर्किंग रूल जैसे बताए हैं वैसे ही काम करना है, बस बन जाएगा। फर्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, सेकेंड में पुट करना है वाई बाई एक्स इजक्वल टू वी, और थर्ड में हमको काम करना है उसके बाद में डी वाई बाई डी एस के वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट में, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे, थ्री में फोर में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम बताते हैं। फॉर्मूला यूज, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा तो क्या होता है, लॉग नीचे वाला प्लस कांस्टेंट राशि सी, या सेकेंड में है, सेकेंड के वन में डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजक्ल टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, सेकेंड में माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, थ्री का वन में है डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो मेरा फॉर्मूला मात्र इतने ही यूज होगा मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बस इसको दिमाग में रखना है,
ये जितने भी कॉन्सेप्ट वर्किंग रूल बताए और यहाँ पे फार्मूला जो लिखे है इतना ही यूज होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप अपने दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई इजकल टू जीरो सेकेंड में है, एक्स क्यू थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इजकल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो को मेरा क्वेश्चन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखना है आंसर, फर्स्ट को बना रहे हैं, सबसे पहले लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई इजकल टू जीरो। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इजकल टू एक्स क्यू वाई क्यू डी वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यू वाई क्यू। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं। तो यहाँ देखिए यानी प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, ऊपर एक और नीचे दो गो टर्म, तो ऊपर उसका डिग्री कितना है एक्स वाई के पावर के सम, तो इसका वन है तो कितना ऊपर कितना है थ्री, नीचे इसका भी थ्री, यानी सब का डिग्री क्या है सेम है। तो क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या मानते हैं, फर्स्ट टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वर्किंग रूल जैसा काम करना है। सेकंड में क्या लिखे थे, पुट करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे पुट करेंगे, लेट अस पुट, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो कितना पुट होगा वाई बाई एक्स इजकल टू क्या होगा भी, तो यहाँ वाई के वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा भी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे
और फ्रॉम इक्वेशन वन में रखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को डिफ्रेंशिएट, सेकंड को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, फाइनली मेरा कितना हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, वी पुट दिस वैल्यू गिवेन इक्वेशन फर्स्ट, गिवेन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो डी वाई बाई डी एस का वैल्यू कितना निकला है, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, और वाई का वैल्यू यहाँ पे देखिए वाई का वैल्यू कितना निकला है वी एक्स, तो कितना हो जाएगा वी एक्स, एक्स का पावर क्यू, वाई के वैल्यू कितना है वी एक्स, इसका क्यू कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स, तो कितना हो जाएगा क्यू वी बाई एक्स का पावर क्यू प्लस वी के पावर क्यू और एक्स के पावर भी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर क्यू क्या है कॉमन वैल्यू, यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक्स के पावर क्यू भी, एक्स के पावर क्यू कॉमन ले लेते हैं वी के पावर क्यू, यहाँ देखिए एक्स के पावर क्यू से एक्स के पावर क्यू कैंसिल हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू वी वन प्लस वी के पावर थ्री। यहाँ पे देखिए जो मेरा इक्वेशन था जो एक्स एंड वाई में था लेकिन निकल गया क्या चीज़ में वी में, कोई भी मेरा होमोजेनियस का क्वेश्चन देगा वह एक्स वाई में लेकिन उसको बनाने पर वी में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू वी वन प्लस वी के पावर थ्री, इस वी को राइट ले जाएंगे तो माइनस वी, इसका एलसीएम ले लेते हैं वन प्लस वी के पावर थ्री वी माइनस वी वन प्लस वी के पावर थ्री। अब इसको साइड मिटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू वी आ वी माइनस वी के पावर फोर वन बाई वी के पावर थ्री। यहाँ से देखिए वी में ये दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वी से वी क्या हुआ कैंसिल हुआ, कितना हो गया माइनस वी के पावर फोर बाई वन प्लस वी के पावर थ्री। एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वी के पावर फोर वन प्लस वी के पावर थ्री। अब यहाँ थर्ड हमको काम करना है रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऊपर डी वी है नीचे डी एक्स है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो डी वी को क्या करेंगे राइट भेज देंगे सेपरेट कर देंगे, तो क्या करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल इन बोथ साइड,
वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी बी वन प्लस बी के पावर थ्री बी के पावर फोर डी एक्स बाई एक्स इजकल टू माइनस वन प्लस बी के पावर थ्री बी के पावर फोर। अब यहाँ पे देखिए सेपरेट हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फोर फोर काम करेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, सेपरेट हो चुका है इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस वी के पावर थ्री बाई वी के पावर कितना फोर। अब ये नोट कर लीजिएगा लो, तो यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, नीचे का डिफ्रेंसिएशन क्या है ऊपर है, तो कितना हो जाएगा लॉग नीचे वाला लॉग एक्स इजकल टू माइनस वन बाई वी के पावर फोर प्लस वी के पावर थ्री वी के पावर फोर डी वी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए वी के पावर फोर से दोनों में अलग अलग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ वी को ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा वी के पावर माइनस फोर, यहाँ से वी से यहाँ तीन वी है यहाँ पे चार गो वी है, तो तीन गो से यहाँ पे कितना बचा वन वन वी डी वी। अब माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा वी के पावर फोर माइनस फोर डी वी, आया माइ यहाँ प्लस में है यहाँ पर चल जाएगा या माइनस डी वी बाई वी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में वन जुड़ता है तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री माइनस बाई माइनस थ्री, जित ऊपर जितना जुड़ता है उतने से क्या होता है डिवाइड भी हो जाता है माइनस, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो कितना हो जाएगा लॉग नीचे वाला प्लस लॉग कांस्टेंट के, तो कितना हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, इस लॉग को लेफ्ट लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा लॉग भी इजकल टू कितना हो जाएगा ऊपर जब माइनस भी है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री वी के पावर थ्री प्लस लॉग के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन एक्स भी। अब इस लॉग को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में लॉग के इजक्ल टू वन बाई थ्री के पावर वी के पावर थ्री, तो कितना हो जाएगा लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है एम बाई एन लॉग वी बाई के वन बाई थ्री वी के पावर थ्री बाई डिफिनीसन ऑफ लॉग से क्या होगा जब ये लॉग हटेगा एक्स वी बाई के लॉग हटेगा तो इधर क्या हो जाए ई के पावर थ्री वी के पावर थ्री वन बाई थ्री वी के पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है इसको नोट कर लीजिए लो, एक्स भी इजकल टू के ई के पावर थ्री वी के
ई पावर वन बाई थ्री वी के पावर थ्री। यहाँ पे देखिए वाई बाई एक्स इजकल टू वी था, तो वाई इजकल टू क्या होगा वी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए वी एक्स का, वी एस के जगह पर कितना रखेंगे वाई, तो वाई के ई के जगह ई पावर वन बाई थ्री वी के जगह पर कितना लिखेंगे वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे तो क्यू है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा आपको एक्स के पावर क्यू बाई थ्री वाई के पावर क्यू, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आपको चार काम करना है बस, आपको आराम से बन जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकेंड में जो मेरा एक क्वेश्चन है, इसको डी वाई बाई डी एस का वैल्यू निकालेंगे, वाई बाई एक्स पुट करेंगे, और सेम इसी तरह वर्किंग काम करेंगे, वर्किंग रूल जैसा, बस बन जाएगा, ठीक है।